हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल इन 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 दिस वीडियो वी हैव अ ग्रेट न्यूज़ फॉर यू देयर इज़ अ गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी इन एन पी सी है नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया अगर आप भीम यू पी आई या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपने एन पी सी आई का नाम सुना होगा कई बार एन पी सी आई में जो ये रिक्रूटमेंट आई हुई है ये जी टी की रिक्रूटमेंट आई हुई है जो कि ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग होता है दिस इज़ फुल टाइम रिक्रूटमेंट परमानेंट रिक्रूटमेंट है फ्रेशर्स एक्सपीरियंस दोनों ही एलिजिबल हैं इसमें तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है कैसे अप्लाई करना है आपको वो सारी जानकारी आपको यहाँ वीडियो में मिलेगी सो so, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा वीडियो बहुत लंबी नहीं करूँगा मैं फटाफट से आपको चीज़ें बता दूंगा उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द आइकन बिकॉज दीज आर वेरियस अदर जॉब अपडेट्स विच आई एम मेकिंग लीडर जॉब अपडेट्स बाई ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल लाइक आई आई टी भुवनेश्वर देर इज रिक्रूटमेंट फॉर ए पोस्ट टी सी एस रिक्रूटमेंट ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट्स ऑफ वेरियस प्राइवेट ऑर्गनाइजेशन ऑल्सो टाटा स्टील टाटा पावर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स वेरियस जॉब अपॉपर्चुनिटीज आर देर अपार्ट फ्राम दिस रिसर्च रिलेटेड थिंग्स आर ऑल्सो मेड ऑन दिस चैनल लाइक रिसर्च पेपर आपको पब्लिश करना या फिर उससे रिलेटेड कुछ जो भी आपके ऑनलाइन मीडियम्स uh, होते हैं उनमें सॉफ्टवेयर uh, की बात करें तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी वीडियोस आते हैं तो समय समय पर आपको रेगुलर जॉब जॉबडेट्स की वीडियोस चाहिए या फिर एजुकेशनल कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए देखते हैं आपको ये जो ऑफिशियल लिंक है ये ऑफिशियल कहाँ पर ये लिंक है कैरियर डॉट एन पी सी आई डॉट ओ आर जी डॉट इन है तो ऑफिशियल वेबसाइट से ये लिया गया है सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस ओके ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग जीरो टू टू ईयस ऑफ़ एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो जीरो ईयर वाले एक्सपीरियंस मतलब फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं डिस्क्लोज नहीं की गई रिक्रूटर के बट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग है तो फिफ्टी फोर्टी थाउजेंड जो भी आपका जो है एक डिसेंट अमाउंट ऑफ पे होगा मुंबई हैदराबाद सिकंदराबाद चेन्नई ये लोकेशन हैं चार लोकेशन आपकी जहाँ के आपको पोस्टिंग होती है बट ऑल ओवर इंडिया आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो आपको देखना क्या होगा डिजिटल पेमेंट और ये सब चीज़ें देखनी उनकी पहले मैं आपको थोड़ा सा एन के बारे में यहाँ पे दिखा देता हूँ तो एन एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिटेल पेमेंट्स वगैरह सिस्टम को देखती है अंडर द आरबीआई काम करती है ये आपकी और आपके क्रेडिट डेबिट कार्ड या फिर आपका जो है भीम वाला पूरा ट्रांसफ़र हो गया यू का या बी का हो गया तो एन का लिए तो ये सारा कुछ ये हैंडल करते हैं तो इसमें आपको ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की पोस्ट मिलेगी और इसमें क्या है कि एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड प्रूवन डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के लिए काम का है सो सिलेक्शन के चांसेस किसके ज़्यादा हैं वो क्योंकि मल्टीपल राउंड्स में ये होना है तो आई विल सजेस्ट कि वही लोग अप्लाई करें जिनको एमरजिंग टेक्नोलॉजीज़ की थोड़ी बहुत नॉलेज हो अच्छे से जैसे आपको अगर ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स चलाना आता है या फिर आपको जावा पाइथन एस क्यू एल एम एल ब्लॉक चेन के बारे में नॉलेज है तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ठीक हालांकि कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि ऐसा पूरा पूरा सब कुछ होना ही चाहिए आपके पास कि कोई इसका सर्टिफिकेशन अलग से नहीं मांगेंगे आपके पास क्वालिफिकेशन बी ई बी टेक की हो बैचलर आपका टू थाउजेंड ट्वेंटी वन या टू थाउजेंड ट्वेंटी टू बैच का होना चाहिए मतलब आप पास हो चुके हों या फिर इस साल पास होने वाले हो ठीक है और ज़्यादा पुराना बैचना हो टू थाउजेंड ट्वेंटी वन मैसिमम और एलिजिबिलिटी uh, क्या है आपका टेंथ में सेवेंटी फाइव परसेंट होना चाहिए ट्वेल्थ में सिक्सटी फाइव परसेंट होना चाहिए बीटेक में मिनिमम सिक्सटी परसेंट होना चाहिए जॉब लोकेशन आपको बता दीजिए इतना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है इसके बाद रिक्वायर्ड स्किल वो स्किल हैं जो अगर आपके पास होंगी तो आपको सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है जैसे मैंने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम लेने एक्स टी सी पी आई पी जो ट्रांसफर प्रोटोकॉल होते हैं आपके फायर के बारे में नॉलेज हो पाइथन जो कि जनरली अगर आप सी एस बैकग्राउंड से हैं या ई सी बैकग्राउंड से हैं या इवन आपको एक क्यूरियोस्टिक uh, नेचर भी है टूवर्ड्स एमर्जिंग टेक्नोलॉजी देन ऑल्सो यू माइट बी नोइंग अबाउट दीज थिंग्स राइट सो ये सब चीज़ें हैं रिक्वायर्ड स्किल्स में बट कम्पल्सरी uh, uh, जो है आपके पास वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ठीक इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर जो एप्लीकेंट मस्ट हैव दीज फॉलोइंग स्किल सेट, तो स्किल सेट आपका ये है कि नहीं आप देख सकते हैं uh, आप जब अप्लाई करेंगे इसमें इंटरव्यू प्रोसीजर्स में क्या है कि सबसे पहले ऑनलाइन असेसमेंट एक होगा ठीक ऑनलाइन टेक्निकल असेसमेंट जो कि जो है पाइथन क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा स्ट्रक्चर जावा एमएल इन सब पे बेसिस पर एक ऑनलाइन टेक्निकल असेसमेंट होगा फिर एक एक्सटर्नल पैनल टेक्निकल टेक्निकल राउंड होगा फिर एक एन का पर्सनल पैनल जो है टेक्निकल और अचार राउंड लेगा फिर आपका रिलीज ऑफ ऑफर होगा तो तीन स्टेज में आपके इंटरव्यू होंगे और एक आपका टेक्निक टेक्निकल राउंड ये है सो दिस इज़ ऑल द प्रोसीजर फॉर दिस एप्लीकेशन कैसे रिक्रूटमेंट होगा ये पूरा बता दिया गया है कौन कौन लोग एलिजिबल हैं एलिजिबल सारी ही ब्रांचेस हैं बट uh, चीज़ ये है कि आपको ये एमरजिंग टेक की नॉलेज होनी चाहिए अदरवाइज़ ये लेवल्स uh, क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा बिकॉज पूछा यही सब जाना है इसमें तो एक एक चीज आपके पास डिस्क्लोज कर दी गई इवन देन इफ़ यू यू हैव एनी डाउट कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन दिस इज़ अ वेरी वेल वेलकम फॉर यू एंड अगर आप अप्लाई पे देखना चाहते हैं, हैं देखिए अप्लाई पे करेंगे तो अप्लाई विद नौकरी डॉट कॉम आप एक, एक कर सकते हैं नौकरी डॉट कॉम पर इंडिविजुअल भी रिक्रूटमेंट्स आती हैं आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आप हर एक रिक्रूटमेंट से जाए मैं जो जी लगती है मुझे वही मैं यहाँ पे देता हूँ अगर आप यहाँ पर नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो सीधे नेम यह, यहाँ से डिटेल डाली सीधे आप एन के पोर्टल पे अप्लाई कर देंगे ठीक तो जो भी आपको सुटेबल लगता है आप अप्लाई कर सकते हैं आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा उसको सेव करके रखी रहिएगा आगे की प्रोसीजर आएंगे और राइट सो तो कोई और क्वेरी हो कोई और सजेशन हो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर कर लीजिएगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू वेरी मच मे गॉड ब्लेस यू हैव अ हैप्पी डे